हेलो वियर्स, टुडे वी आर टेकिंग न्यूमेरिकल रिलेटेड टू एडियाबेटिक प्रोसेस। और एडियाबेटिक प्रोसेस का पहला न्यूमेरिकल इस तरीके का है, द प्रेशर ऑफ ए गैस गामा की वैल्यू इज 1.5 इज सडनली रेज टू 8 टाइम्स। कैलकुलेट हाउ मेनी टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम। अब जब इसको 8 टाइम आपका प्रेशर को रेज कर दिया जाता है तो वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ पे रिलेशन क्या है एडियाबेटिक प्रोसेस का, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बात समझने की कोशिश करिए कि ये कांस्टेंट है। अगर इन दोनों में कोई एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। अगर वॉल्यूम रेज करेगा तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, ओके। और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो है वो कम होगा। अब यहाँ पे जो है आपका पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, हम इस तरीके से भी कह सकते हैं पी वन वी वन की पावर गामा इज इक्वल टू पी टू वी टू की पावर गामा। अब यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज किया गया, पहले प्रेशर अगर पी है तो उसको 8 टाइम्स कर दिया गया, यानी नया प्रेशर जो है वो पहले वाले प्रेशर का 8 टाइम्स है, 8 पी है। तो यहाँ पे जब ये पी वन पी पी टू 8 पी हो गया, तो यहाँ पे इसमें वैल्यू रखेंगे पी वन इस वाले में, तो पी वी की वी वन की पावर गामा 8 पी वी टू की पावर गामा। पी और पी कैंसिल हो गया तो यहाँ पे हो गया, और 8 को इधर ले आए तो 1/8, और इधर हो गया वी टू अपॉन वी वन की पावर गामा, और 1/8 को यू कैन राइट 1/2 की पावर 3, और इससे इस तरीके से भी ले सकते हैं कि 1/2 की पावर 3। अब गामा की वैल्यू हमें 1.5 दी थी, तो वी टू अपॉन वी वन 1.5, डेसिमल हटाएंगे तो 15/10, तो पावर हो गई वी टू अपॉन वी वन इज इक्वल टू 3/2, और ये किसके इक्वल है 1/2 की पावर 3। अब पावर में 3 कैंसिल, यानी वी टू अपॉन वी वन की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे इनको अगर हम स्क्वायर कर दें तो इसका अंडर रूट हट जाएगा और 1/2 का हो जाएगा पावर 2, यानी वी टू अपॉन वी वन और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, यानी नया वाला वॉल्यूम क्या होगा, पहले वाले वॉल्यूम का 1/4 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमेशा ध्यान रखिए कि प्रेशर बढ़ रहा है तो मैंने बोला वॉल्यूम जो है डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, द इनिशियल प्रेशर ऑफ ए गैस 5×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम इज कंप्रेस टू 1/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। अब देखिए इस क्वेश्चन में वॉल्यूम को कंप्रेस किया गया है, पहले वी था अब 1/9 कर दिया गया है, और किस तरीके का किया गया, एडियाबेटिकली किया गया है, ओके। तो हम फार्मूला क्या लेंगे, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब वॉट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस, इसमें हमको उसमें वॉल्यूम बताना था, अब कि यहाँ पर हमको प्रेशर बताना है, और जबकि गामा की वैल्यू हमको फिर से दी गई है 3/2, ओके। फिर से हम एडियाबेटिक प्रोसेस देख रहे हैं, एडियाबेटिक लगाए तो उसका रिलेशन लेंगे, पी वी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वन वी वन की पावर गामा, पी टू वी टू की पावर गामा। अब पहला वी वन अगर वी था तो वी टू जो हमारा 1/9 वी हो गया है, और पी वन की वैल्यू भी दी है 5×10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू सब्सिट्यूट करिए तो पी टू अपॉन पी वन वी वन अपॉन वी टू की पावर गामा, यहाँ वी वन की जगह वी, वी टू की जगह 1/9 गामा, ओके 1/9 वी, सॉरी वी कैंसिल हो गया और ये वाला 9 ऊपर आ जाएगा, तो 9 की पावर गामा, गामा का मतलब 3/2 और 9 का मतलब 3 स्क्वायर, ये 2 और 2 कट गया, 3 की पावर 3 का मतलब 27। तो अब प्रेशर इज इक्वल टू 27 टाइम्स जो है पी वन के होगा, तो आप यहाँ पे 27×5×10⁵ यू विल कैलकुलेट 135×10⁵। और अगर आंसर आपको लाना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, 100 से डिवाइड, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.35 और ये 10⁻⁷, तो आपको आंसर ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस बोथ न्यूमेरिकल रिलेटेड टू रिलेशन पी और वी के बीच में, जो कि एडियाबेटिक प्रोसेस हो रहा था। सो नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व मोर न्यूमेरिकल। थैंक यू।